आपका फिर से स्वागत है मेरे इस इंग्लिश के क्लास में। और इंग्लिश ग्रामर का जो टॉपिक चलने वाला है वो है चैप्टर नंबर 18 कंजक्शन। अभी बुक चल रहा है बेसिक, इसीलिए बहुत सारी बातें जो है केवल बेसिक लेवल पे हो रही है, बहुत छोटे से स्तर पे, जिसपे केवल आपको डेफिनेशन और कुछ एग्जाम्पल से समझाया जा रहा है। ये बुक बहुत जल्द खत्म होगा, इसके बाद जो बुक स्टार्ट होगा वो उसका कुछ वेटेज होगा और उसमें बहुत सारी बातें होंगी। तो चलिए जानते हैं सर कंजक्शन होता क्या है। सर कंजक्शन को बोलते हैं हम लोग संयोजक। संयोजक का मतलब होता है जोड़ने वाला, ठीक है, यानी जो जोड़ने वाला शब्द होगा उसको हम लोग बोलेंगे कंजक्शन। भैया बोल रहा है इसमें डेफिनेशन के तौर पर यानी परिभाषा के तौर पर कि अ कंजक्शन यानी एक कंजक्शन एक ऐसा शब्द है जो ज्वाइन करता है वर्ड्स को यानी शब्दों को और साथ साथ सेंटेंस को, वाक्यों को, ठीक है ना, वाक्यों को भी जोड़ेगा साथ में और शब्दों को भी जोड़ेगा साथ में। अगर इन चीजों को जोड़ता है तो वो कहलाएगा कंजक्शन। क्या कहलाएगा? कंजक्शन। अगर दो सेंटेंस को जोड़ता है या फिर दो शब्दों को जोड़ता है तो वो कहलाएगा कंजक्शन। मैंने एग्जांपल दिया, सबसे पहला एग्जांपल है, मैं एक आपको समझाता हूँ, बाकी फिर आपको सब टोटल बनाने। मैंने तीन क्लास कर दिया लेकिन फिर अभी यही क्लियर कर दूंगा। पहला क्वेश्चन है साक्षी एंड स्वरा, ठीक है ना, साक्षी एंड स्वरा आर गोइंग यानी जा रहे हैं। तो यहाँ पे साक्षी और सौरा के बीच में क्या लगा हुआ है? एंड। ये एंड क्या हो जाएगा? कंजक्शन। और ये क्या कर रहा है? ये दो शब्दों को जोड़ रहा है, ये वर्ड को जोड़ रहा है और ये वर्ड को जोड़ रहा है। तो यहाँ पे वर्ड को जोड़ने का काम कौन किया? कंजक्शन। तो आपको पहले क्या करना है, सेकेंड में ये पूरा पढ़ना है, फिर इसमें कंजक्शन बताना है और ये बताना है कि ये वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है। कोई दिक्कत क्या? तीन चीज। पहला क्या? पूरा सेंटेंस पढ़ना है, हिंदी करना है, उसके बाद फिर इसका कंजक्शन बताना है। कंजक्शन बताने के बाद ये बताना है कि सेंटेंस है या सेंटेंस को जोड़ रहा है या वर्ड को जोड़ रहा है। तो चलिए छुटकी आपका है, बताइए सेकंड नंबर में क्या लिखा हुआ है? आई वाज रीडिंग बट ही वाज प्लेइंग। बहुत बढ़िया, आई वाज रीडिंग बट ही वाज प्लेइंग। हिंदी कीजिए। मैं पढ़ रही हूं और लेकिन लेकिन वो खेल खेल रहा है, खेल रहा था, खेल रहा था, ठीक है ना, वाज है, वाज क्या है? पढ़ रही थी। हाँ, आई वाज रीडिंग, या वह खेल रही थी, अगर आप लड़की हैं तो मैं पढ़ रही थी, वह खेल रही थी, ठीक है। लेकिन वह फिर लगेगा तो यहाँ पे शी लग जाएगा, याद कीजिए, वह खेल रही थी तो यहाँ पे ही लगा हुआ है, तो वह खेल रहा था। मैं पढ़ रहा था, वह खेल रही, मैं पढ़ रही थी, वो खेल रहा था। गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए इसमें कंजक्शन कौन है? बट कंजक्शन है, वेरी गुड। और ये बताइए कि ये वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है? कहाँ कहाँ जोड़ रहा है? आई वॉज रीडिंग को ही वॉज प्लेइंग से जोड़ रहा है, तो ये दोनों सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है। आपका है तीसरा नंबर, गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, मुझे एक पेन और पेंसिल चाहिए। ये और है जो कंजक्शन है और ये दो वर्ड्स को जोड़ रहा है, पेन और पेंसिल। ये सही बोली आप, ये भी सही बोली आप, लेकिन इसका हिंदी गलती हो गया। गिव मी अ पेन और पेंसिल, मुझे पेन या पेंसिल दो, ठीक है ना, दोनों में से कोई भी जो है तुम हमको दे दो। वही बोल रहा है कि गिव मी अ पेन और अ पेंसिल, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आपका ये वाला, सीता एंड गीता, गीता आर कमिंग, ठीक है, सीता और गीता आ रही है, ठीक है। और कंजक्शन कौन है? एंड कंजक्शन है, ठीक है। और वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है? वर्ड को जोड़ रहा है। चलिए आप तो एकदम वाह छाई हैं, अच्छा कर रही हैं। आपका है ये बताइए, आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, बहुत बढ़िया, मैं गरीब हूँ लेकिन दयालु हूँ, ईमानदार, ईमानदार हूँ, मैं गरीब हूँ मगर ईमानदार हूँ। अब बताइए इसमें कंजक्शन कौन है? बट है, बहुत बढ़िया। वर्ड को जोड़ रहा है या सेंटेंस को जोड़ रहा है? सेंटेंस को जोड़ रहा है, पक्का, पुअर बट ऑनेस्ट, ठीक है। देखिए इस सेंस में ये जो बोली है यहाँ पर एक पूरा सेंटेंस ये है लेकिन ये एक अधूरा वर्ड है, लेकिन ये पूरा सेंस को दे रहा है कि ये सेंटेंस बनेगा। आई एम पुअर बट ऑनेस्ट, तो ये पुअर और ऑनेस्ट के बीच वाले सीन को चुनेंगे तो ये दोनों वर्ड को जोड़ रहा है। अगर सेंटेंस को जोड़ेंगे तो आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट बनेगा, क्या बनेगा? आई एम पुअर बट आई एम ऑनेस्ट, तो ये सेंटेंस बन जाएगा, क्या बन जाएगा? सेंटेंस। तो ये एग्जैक्टली ऐसे देखा जाए तो ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है, ठीक है, वर्ड को नहीं जोड़ रहा। आई एम पुअर बट ऑनेस्ट यानी आई एम पुअर एंड बट आई एम ऑनेस्ट, यहाँ पे मैं गरीब हूं लेकिन मैं ईमानदार हूं, ये वर्ड बता रहा है, क्लियर है?
ठीक है चलिए आपका है बढ़िया फिर से ये वाला तो सही है कि आर यू राम और मोहन ठीक है कंजक्शन कौन है और ये वर्ड को जोड़ रहे हैं सेंटेंस को जोड़ रहे हैं बहुत बढ़िया राम और मोहन के बारे में पूछ रहे हैं लेकिन आपका हिंदी जो आया ये थोड़ा गलत था आर यू राम क्या तू राम या मोहन हो ठीक है ना ये बनेगा ओके चलिए आपका है ये वाला लास्ट वाला आई वॉज रीडिंग बट ही वॉज प्लेइंग ठीक है मैं पढ़ रहा था बट वो खेल रहा था बहुत बढ़िया बट होगा इसमें और सेंटेंस को जोड़ रहा है बहुत बढ़िया गुड वर्ड बट हो जाएगा कंजक्शन और ये दो सेंटेंस को जोड़ रहा है तो चलिए बच्चे लोग आज के ये सेशन होता है कंप्लीट कंजक्शन का कंजक्शन में हमने समझा कि कंजक्शन एक ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच का पार्ट है जो दो वर्डों को दो सेंटेंसों को जोड़ता है क्लियर हुआ ये सब वर्ड्स हम लोग ये सब सेंटेंस हम लोग हमेशा यूज करते हैं स्पोकन में तो अब से अगर इन सब वर्डों से रिलेटेड है तो आप जरूर बोलिएगा ठीक है आप किसी अपने दोस्त को अपने सहयोगी को अपने फैमिली मेंबर्स में ये जरूर बातें कह सकती हैं जो यहाँ पे लिखा है कि आई एम पुअर बट ऑनेस्ट ठीक है आई एम रिच बट डिसऑनेस्ट ये सब बातें होती है मैं अमीर हूं लेकिन क्या हूं बेईमान हूं इस तरीके से तो बहुत सारी बातें आती हैं तो आप लोग इसे इंग्लिश में यूज कीजिएगा अभी जो हम लोगों का टॉपिक चलेगा वो चलेगा सावन अभी आप लोगों को लिखवाऊंगा और जो आप लोगों को कल बोलना है ठीक है 10 लाइन में लिखवा देता हूँ अच्छा अच्छा वर्ड इसे कल बोलिएगा चलिए तो मिलते हैं अगली क्लास में इसके नए सेशन के साथ बाय बाय टेक केयर सी यू सून